परमेश्वर कबीर देव जी ये वो सुप्रीम पावर हैं, वो परम पिता हैं, सबके कुल मालिक हैं, जिन्होंने ये सब सृष्टि रची है, जिनसे हम सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। हम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं था, वृद्धावस्था नहीं थी। सतलोक के अंदर कोई किसी वस्तु का अभाव नहीं था, कोई कार्य नहीं था हमको। परमात्मा की वहाँ एक विशेष कसक हमें बनी रहती थी, हमारा स्थाई वहाँ परिवार था, बहुत ही अच्छे हमारे महल वहाँ पर बने हुए थे। उन सबको त्याग कर हम अपनी नालायकी के कारण इस काल भगवान जो इसी किस ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वहीं रहता था, ये भी हमारा ही भाई है, ये इल्डर ब्रदर है, अपना बड़ा भाई है, इसने वहाँ गलती की, इसके साथ साथ हमने भी गलती की, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस दुख में स्थान पर आ गए। जब तक हम अपने स्वलोक नहीं चले जाएंगे जहाँ हम रहा करते थे, तब तक हम यहाँ सुखी नहीं हो सकते। पहले तो हमें यहाँ ऐसा शरीर मिला हुआ है, इसमें सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। फिर ऐसा स्थान मिला है कि यहाँ सुख कोई सुख कहीं पर भी नहीं है। पुण्यात्माओं, हम जरा सा विवेक से काम लें, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को आधार बनाकर हम गहराई से सोचें, तो आप जी आसानी से समझ सकते हो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और यहाँ हम कर के रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो हम क्रिया कर रहे हैं इसमें हमारी व्यवस्था ज़्यादा है, मजबूरी अधिक है, उस मजबूरी से प्रत्येक आवश्यकता जन्म ले लेती है, और जिस कारण से हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर इस काल के द्वारा फंसाए गए जाल में ही उलझ पुलझ रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, वो हमारे पिता हैं सभी के, उन्हीं को हमारे ऊपर हो रहे दर्द कहर का दुख होता है। अपने ही संतान को दुखी देखकर पिता माता दुखी होते हैं, दूसरा कोई दुखी नहीं होता। पुण्यात्माओं, आज हम कितने दुखी हैं, किसी का बेटा मर गया है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की टांग कट गई है, किसी की आंख फूट गई है, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं कोई बीमारी से या किसी दुर्घटना से। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु बताते हैं, और परमात्मा दयालु ही है, और यहाँ देखते हैं तो दया नाम की चीज कहीं भगवान के इतिहास में नजर नहीं आ रही। एक व्यक्ति ने, इकलौता पुत्र था उसका, अच्छी शिक्षा कराई उसको, अच्छी शिक्षा दिलवाई, विवाह की तैयारी थी, अच्छी पोस्ट HCS पोस्ट पर वो नियुक्त हो गया, विवाह की तैयारी हो रही थी, उसी दिन एक्सीडेंट में मर गया, दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। पुण्यात्मा, और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आप जी को भी मालूम है। परमेश्वर कहते हैं इस बात को सभी जान जाते हैं कौन सी डूबण की है, कौन सी तरण की, लेकिन ख्यास नहीं करते, जोर दे के विचार नहीं करते। जब तक हम विचार करना नहीं की आदत नहीं डालेंगे प्रत्येक घटना पर, तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है, जैसी भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इसका फल आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, और कभी मनुष्य जन्म होगा तो आपको ये पुण्य
धर्म जो आप कर रहे हो इस सच्ची साधना का, ये तो ढेर मिल जाएगा, लेकिन यह दुर्गति मिटे नहीं जब तक आप यहाँ से हृदय नहीं हटाओगे कि हम यहाँ आए किस लिए हैं और किसके लिए हम यहाँ सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या संतान के लिए? हाँ, संतान के लिए। और संतान का ना पता ही नहीं, वो कल के हो जाए उसके संग में। तो ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिए भी समृद्ध शक्ति की आवश्यकता पड़ती है।